फिर से बीच देखिए आपको बड़ी खबर बताते हैं, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बड़ी खबर सब देखिए आपको बता रहे। देश में कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा संक्रमण, यह बड़ी खबर। जहां पर देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया आज इसको लेकर बैठक लेंगे, बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर बैठक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कहा जा रहा है कि वर्चुअल बैठक होगी। ये कोविड मामलों पर नियंत्रण को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे, जहां पर कोविड मामलों पर नियंत्रण को लेकर होगी चर्चा, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर इस पूरे मामले को लेकर देखिए अब सरकार काफी अलर्ट है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों को पहले भी देखिए कह चुकी है पत्र लिखकर कि कोविड को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। अब देश में बढ़ता कोरोना का लगातार संक्रमण, जिसको लेकर यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया आज बैठक लेने वाले हैं सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। देखिए कहा जा रहा है कि वर्चुअली बैठक करेंगे वो, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करके राज्यों में स्थिति को लेकर, कोविड के मामलों को लेकर होगी चर्चा। कोविड मामलों पर नियंत्रण को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की देखिए आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार लगातार देखिए सजग। ऐसे में यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की तरफ से भी आज बैठक की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया आज वर्चुअली बैठक करेंगे सभी राज्यों के यहां पर स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। कहा जा रहा है कि वर्चुअली आज बैठक की जाएगी, जिसमें कोविड को रोकने के लिए, उसके संक्रमण दर को रोकने के लिए, कम करने के लिए यहां पर आज चर्चा होगी। कोविड के मामलों पर नियंत्रण को लेकर आज चर्चा की जाएगी। तो बड़ा मामला देखिए, ऐसे में एक बार फिर से कोविड यहां पर लगातार अलग अलग राज्यों में बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में उसके केसेस में और इजाफा ना हो, उसको रोका जाए, उसके संक्रमण दर को कम किया जाए, इसके लिए किस तरीके से राज्य सरकारें तैयारियों को लेकर यहां पर मुस्तैद इसी को जानने की कोशिश आज की इस वर्चुअली बैठक में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे आज वर्चुअली बैठक। तो कोविड के मामलों को लेकर वर्चुअली बैठक की जाएगी, कोविड मामलों पर नियंत्रण को लेकर होगी चर्चा, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर वर्चुअली आज बैठक करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया, देश में कोरोना के बढ़ते लगातार मामलों को लेकर कहा जा रहा कि आज बैठक बेहद खास। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक के, अलग अलग राज्यों में देखिए कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों में क्या कुछ तैयारियां अभी तक कोविड के मामलों को लेकर हैं, किस तरीके से किन राज्यों में कितने मामले अभी तक सामने आ रहे हैं, वहां पर क्या इंतजाम है कोरोना की रोकथाम को लेकर, ऐसे तमाम चीजें होंगी जिसको लेकर आज इस बैठक में वर्चुअली आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो कोविड को कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से यहां पर बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत है, इसी के चलते आज बड़ी बैठक है। एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। राकेश जी देखिए, जिस तरीके से मामले अलग राज्यों से सामने आ रहे कोरोना के, अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आ रहा, किस तरीके से इस बैठक में आज चर्चा हो सकती है? देखिए भारत में कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में मिल रहे कोरोना केसों में 38% केस नए वेरिएंट 1BB.1.16 के मिल रहे हैं, और जिस तरह से पिछले 24 घंटे की बात किया जाए तो 5000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, और देश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 3.39 हो गया है। ऐसी स्थिति में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जो पिछले कुछ दिनों में संक्रमण दर में जो वृद्धि देखी गई है, खासतौर पर भारत के पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी भागों में, वो उसके लिए चिंता की बात है। तो ऐसे में ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे मसले को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या दिशा निर्देश देता है। ठीक है, कितने बजे बैठक होगी राकेश, इस बैठक को लेकर कैबिनेट कितने बजे बैठक शुरू होगी आज? देखिए अब से कुछ देर बाद ही जो है ये बैठक शुरू हो रही है, और इस बैठक में सभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी बैठक में रहेंगे, साथ ही साथ सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में
कोविड 19 संक्रमण की वजह से चिंता बढ़ती जा रही है, और अगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सजग रहने की जरूरत है और कोरोना से खुद का बचाव जरूरी है।